लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या है? जब भी कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है या फिर सडनली अगर पार्टनर की डेथ हो जाए बिजनेस के अंदर, ठीक है, डेथ होने का मतलब समझते हो, मर गया, डेथ हो गई, तो क्या इससे फर्म को नुकसान होता है? नहीं होता, कोई मर जाए लेके अपने क्या लेना देना है ना, नुकसान होता है। तीन पार्टनर है, सपोज कीजिए एक्स वाई और जेड, तीन पार्टनर मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। एक्स जो है ना वो मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा करता है पूरे बिजनेस में, बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करता है जिससे बिजनेस बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाता है। अगर सडनली एक्स की डेथ हो जाए तो क्या बिजनेस को नुकसान नहीं होगा? यस। अब मैनेजमेंट कौन करेगा अच्छे तरीके से बिजनेस? क्या वाई और जेड चला पाएंगे कंपेयर टू एक्स के? नहीं चला पाते। तो इन्हें लगता है कि अगर सडनली कोई भी किसी भी कारण से किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाए सडनली, तो इससे बिजनेस को हैवी लॉस होता है, बड़ा नुकसान होता है। किस कारण से? अगर किसी की भी अनसर्टेन डेथ हो जाए, तो ये इस फ्यूचर के लॉस से बचने के लिए कि भविष्य में हम हानि तो होने वाली है, ये तो फिक्स है, एक्स की डेथ हो गई तो बिजनेस को लॉस तो उठाना पड़ेगा, इस लॉस को रिकवर करने के लिए क्या करते हैं, इन पार्टनर्स की लाइफ के ऊपर एक पॉलिसी ले लेते हैं। ठीक है, लाइफ के ऊपर पॉलिसी लेने का मतलब है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी से हमने पॉलिसी ले रखी है, इंश्योरेंस कंपनी हमें कुछ पैसा दे देगी जिससे हमें कुछ तो रिकवर हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो जो हमारा लॉस होने वाला है वो लॉस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो हर पार्टनर फर्म जो होती है, पार्टनरशिप फर्म जो होती है, वो हर एक पार्टनर के ऊपर पॉलिसी लेके रखती है। किस लिए लेके रखती है? कि अगर फ्यूचर में अनसर्टेन डेथ हो जाए तो हमें लॉस होगा, उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब ये पॉलिसी कितने तरीके की हो सकती है? पॉलिसी दो तरीके की हो सकती है। कितने तरीके की? दो। पहली पॉलिसी होती है फर्म ने सबके नाम से अलग अलग पॉलिसी ले रखी है, जिसको हम बोलते हैं पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी, या इसे हम बोल सकते हैं सेपरेट लाइफ पॉलिसी इंग्लिश में। क्या बोल सकते हैं? सेपरेट लाइफ पॉलिसी। अब सेपरेट लाइफ पॉलिसी लेने पर होता क्या है, एक्स वाई और जेड, सपोज कीजिए एक्स इंपोर्टेंट पर्सन था, इसके नाम से 12 लाख की पॉलिसी ले रखी है, वाई जो है वो थोड़ा कम काम करता है तो उसके नाम से 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है, और जेड जो है वो बिल्कुल ही कम काम करता तो उसके नाम से 3 लाख रुपए की हमने पॉलिसी ले रखी। ठीक है, इसने कि हमने पॉलिसी ली और ये पॉलिसी थी 10 साल की। 10 साल का मतलब क्या होता है, जब भी आप पॉलिसी लेते हो इंश्योरेंस कंपनी टाइम पीरियड फिक्स बताती है कि 10 साल तक पॉलिसी चलेगी कि 15 तक चलेगी। अगर 10 साल की ले रखी है, 10 साल के बीच में कभी भी इस पार्टनर की अगर डेथ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी इस पॉलिसी का अमाउंट आपको दे देगी। समझ रहे हो? जैसे एक्स ने कितने की पॉलिसी ली थी, 12 लाख की। अब अगर एक्स की डेथ हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी कितने रुपए देगी, पूरे के पूरे 12 लाख। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फ्री सेवा कर रही है, कोई भी आ जाओ इंश्योरेंस करा लो? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ये जो पॉलिसी है ना आपकी 12 लाख की जो आपने पॉलिसी ली, इसकी 10 लाख की ली, इसकी 3 लाख की ली, इसके बदले में हर साल आपको कुछ ना कुछ अमाउंट चुकाना पड़ेगा हमें, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। कि पॉलिसी लेने के लिए हर साल कुछ ना कुछ हमें अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको। 12 लाख की पॉलिसी ली तो हम एक एग्जम्पशन लेते हैं कि आपने 10 साल की पॉलिसी ले रखी है, हर साल आपको 65,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे इस पॉलिसी के लिए। 10 साल तक आप 65,000 रुपए चुकाते रहो। अगर किसी भी दिन किसी भी साल अगर इस एक्स की डेथ हो जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी पूरे के पूरे 12 लाख रुपए देगी। ऐसे में वाई ने जो पॉलिसी ले रखी है उसके ऊपर सपोज कीजिए 50,000 का प्रीमियम आता है, क्योंकि पॉलिसी कम थी तो प्रीमियम भी कम हो गया, और इसका प्रीमियम हो गया मात्र 15,000 रुपए का ही। ठीक है, तीनों ने 10 साल की पॉलिसी ले रखी है। तो जब आप पॉलिसी लेते हो तो इस पॉलिसी के ऊपर हर साल आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। क्लियर है? अब बताओ पहले साल एक्स ने जो पॉलिसी ली थी उसका प्रीमियम कितना पे किया गया, 65,000। पहले साल उसने प्रीमियम पे किया, उसके 3 दिन बाद ही एक्स की हो गई डेथ, क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी? यस। कितने? पूरे 12 लाख। पॉलिसी का प्रीमियम पे करते ही दूसरे ही दिन अगर डेथ हो जाए तो भी पूरे पैसे मिलते हैं 12 लाख रुपए। ठीक है, कंप्लीटली अमाउंट। यहां तक पॉइंट क्लियर है? चाहे आपने कितना ही पैसा जमा कराया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेथ होनी चाहिए, पहला पॉइंट। अब बात यह आती है, अगर आप इस पॉलिसी को, जैसे मैंने बोला था कि 10 साल की ये पॉलिसी थी, अच्छा एक्स की डेथ हुई तो कितने रुपए मिलेंगे, 12 लाख, या इनका भी पैसा मिलेगा? इनका क्यों मिलेगा, ये तो जिंदा है अभी, जिसकी डेथ होती है उसी का पैसा मिलता है अगर आप सेपरेट पॉलिसी लेके रखते हो। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि इन तीनों ने मिलकर एक ही पॉलिसी ली,
तीनों ने मिलके एक ही पॉलिसी ली, तो इसका मतलब इन्होंने जो पॉलिसी ले रखी है वो सेपरेट नहीं है, अलग अलग नहीं है। इस पॉलिसी का नाम है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। क्या नाम है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इसको हम बोलते हैं JLP, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। और मैंने कहा तीनों ने मिलाकर ले ली, सपोज कीजिए 25 लाख रुपए की पॉलिसी। कितने की ले ली? 25 लाख की, जिसके ऊपर हर साल ये प्रीमियम पे करते हैं सपोज कीजिए 1.5 लाख रुपए। कुछ भी हो सकता है, तो इससे कनेक्ट मत करना है ना, इसको अलग रहने दो आप। मैंने कहा इन्होंने पॉलिसी कितने की ली? 25 लाख रुपए की, 10 साल तक की पॉलिसी थी, और हर साल ये प्रीमियम कितना चुकाते हैं? 1.5 लाख रुपए। अब बताओ अगर एक्स की डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी कितने रुपए देगी? क्या पूरे 25 लाख देगी? यस, यही फायदा है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में। अगर आप सेपरेट पॉलिसी लेते हो तो जिसकी डेथ होती है ना सिर्फ उसका पैसा मिलता है, लेकिन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होने पर क्या होगा? सबकी मिला के पॉलिसी ली, इसमें से किसी भी एक की अगर डेथ हो जाएगी तो भी पूरे पैसे मिलेंगे आपको। कितने? पूरे 25 लाख रुपए। क्लियर है पॉइंट यहां तक? तो पॉलिसी क्या होती है पता चल गया, प्रीमियम क्या होता है पता चल गया। एक वर्ड और आता है हमारे पास में, वो होता है सरेंडर वैल्यू। क्या होता है? सरेंडर वैल्यू। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। आपने जो पॉलिसी ली थी उसका एक टर्म फिक्स होता है, 10 ईयर्स या 15 ईयर्स या 20 ईयर्स, जितने की भी आप पॉलिसी लेते हो। अगर इस पॉलिसी को मैच्योर होने में, परिपक्व होने में कितना टाइम लगेगा? 10 साल। 10 साल तक ये पॉलिसी चलेगी, लेकिन इसके बीच में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पॉलिसी नहीं चलानी, मुझे पॉलिसी आज क्या करनी है, खत्म करनी है। सपोज कीजिए 3 साल तो हमने पैसे भर दिए, चौथे साल आ गया कोरोना। क्या आ गया? कोरोना जो आया हुआ है। मैंने कहा साहब 65,000 कहां से देंगे, फॉर्म ने तो आज खड़े कर दिए। अच्छा ये पैसा जो है ना प्रीमियम का, ये कहां से जाता है मालूम है? ये पर्सनल अपनी जेब से नहीं देते हैं, फॉर्म पे करती है, जो फॉर्म है ना बिजनेस वो पे करता है। ठीक है, वो कहता है हर साल हम इतना प्रीमियम पे करेंगे, इस बार कंडीशन थोड़ी खराब हो गई, हमने कहा हम पॉलिसी को चला नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं इस पॉलिसी को परिपक्व होने से पहले ही उठा लेते हैं, सरेंडर कर देते पॉलिसी। हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं साहब हम इस बार पॉलिसी नहीं चला सकते आगे, क्योंकि हम प्रीमियम पे नहीं कर पाएंगे। तो क्या जो आपने प्रीमियम दिया था आज तक 4 साल या 5 साल तक जो भी प्रीमियम दिया, क्या वो इंश्योरेंस कंपनी खा जाएगी? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी अमाउंट, लेकिन पूरा नहीं देगी, जितने की पॉलिसी थी वो पैसा कभी नहीं मिलता आपको। जब आप पॉलिसी को परिपक्व होने से पहले बिफोर मैच्योरिटी सरेंडर कर देते हो, समर्पित कर देते हो, तो उस वक्त जो धनराशि आपको प्राप्त होती है, जो अमाउंट आपको मिलता है, इसे ही हम कहते हैं सरेंडर वैल्यू। हिंदी में इसे बोला जाता है समर्पण मूल्य। और ये जो समर्पण मूल्य है ना, ये आपको हमेशा कंपनी, इंश्योरेंस जो कंपनी होती है वो खुद बताती है। अगर आपने 10 साल की पॉलिसी ली तो पहले ही दिन जब हम पॉलिसी लेने जाएंगे ना, इंश्योरेंस कंपनी बता देगी देखो साहब इस साल अगर आप पैसा उठा लोगे बीच में तो इतने इतने रुपए मिलेंगे। ऐसा में ज्यादातर पहले साल में कुछ भी नहीं मिलता है, जीरो वैल्यू, जितना भी आपने प्रीमियम दिया वो डूब गया मान लो। 99% केस में यही होता है, पहले साल आपको इसकी वैल्यू मिलती जीरो, दूसरे साल से आपकी थोड़ी थोड़ी सरेंडर वैल्यू आना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? तो 3 पॉइंट अभी तक मैंने आपके बताए। कई बार क्वेश्चन सरेंडर वैल्यू का भी एग्जाम में पूछा जाता है, सरेंडर वैल्यू क्या होती है समझाओ, व्हाट इज समर्पण मूल्य, सरेंडर वैल्यू। क्लियर? तो हमें इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? बिफोर मैच्योरिटी अगर हम पॉलिसी को सरेंडर कर दें तो हमें जो अमाउंट रिसीव होगा, जो धनराशि प्राप्त होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? समर्पण मूल्य या सरेंडर वैल्यू। इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है अकाउंटिंग करते वक्त। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमने कहा कि पॉलिसी को कितने पार्ट्स में बांटा जा सकता, बताइए। दो पार्ट्स में। दोनों पार्ट मैंने आपको यहां पर अभी एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब इसको हमें लिखना है। एक पार्ट हमारा क्या हो जाता है? सेपरेट पॉलिसी, फर्स्ट पार्ट, सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसे हिंदी में कहते हैं, कह सकते हैं पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी। और दूसरा क्या आता है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जिसे हिंदी में कह सकते हैं संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। यहां तक कोई डाउट है? अब बात करते हैं कि हम जब इसकी अकाउंटिंग करेंगे ना, हमें इनकी अकाउंटिंग पढ़नी है, जनरल एंट्रीज पढ़नी है कि किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। यहां पर हमेशा जनरल एंट्रीज की जाती है,
जब भी आप यहाँ पर प्रीमियम पे करते हो, उस प्रीमियम को, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्रीमियम की, पता है ना पॉलिसी लेने के लिए हर साल प्रीमियम चुकाना पड़ेगा, इस प्रीमियम को हमेशा खर्चा माना जाएगा। क्या माना जाएगा? खर्चा। और खर्चा मानकर हर साल के एंड में इसे पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्लियर। लेकिन जब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आप करते हो तो यहां पर ट्रीटमेंट तीन तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से? तीन तरीके से। तो अभी तीन तरीके क्या होंगे ये अपन वापस पढ़ेंगे इसको करने के बाद। पहले तो आप इसको खर्चा लिख दो और एज इट इज डायग्राम बना दो, फिर हम वापस आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। अब देखो, अगर सेपरेट पॉलिसी की बात की जाए तो पहले इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। मैं वापस हेडिंग डाल देना फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं वापस अपन, सेपरेट लाइफ पॉलिसी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, पृथक, आवाज क्यों आ रही है, पृथक बीमा पॉलिसी। अब इस पॉलिसी में ये हमेशा ये मानता है कि जो 10 साल के लिए आपने पॉलिसी ली है, अच्छा क्या 10 साल फिक्स हो गए? सर आप बार बार 10 बोल रहे हो तो 10 फिक्स हो गए सर, हम तो ये मान लेंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूं, 15 साल मान लो, ठीक है, 15 साल के लिए आपने एक पॉलिसी ली, तो 15 साल के लिए आपने पॉलिसी ली तो हर साल प्रीमियम भी तो चुकाना पड़ेगा। ये प्रीमियम आपको नहीं लगता खर्चा है, हर साल हमारे यहाँ से जा रहा है, एक्सपेंस होगा, और बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस होते हैं उन सारे एक्सपेंस को हर साल ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में साल के एंड में। तो हमारे यहाँ पर दो एंट्री हर साल करनी है अपने को, जब तक या तो किसी पार्टनर की डेथ नहीं हो जाए या जब तक आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर दोगे तब तक हर साल हमें दो एंट्री करनी पड़ेगी। फर्स्ट एंट्री होगी ऑन प्रीमियम पेड, जब हम प्रीमियम की राशि चुकाएंगे, बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चुका रहे हैं अपन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या खर्चा है, समस्त खर्चों व हानियों को डेबिट करो, ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड, डेबिट करना है, तो एंट्री हो जाएगी फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा कैश, हमारे यहां से पैसा गया। यस, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी उबासी करते हैं मुझे हाथ ही याद आ जाती है, बताओ। सेकंड, अब हमारा साल एंड हो गया और साल के एंड होने पर ये जो प्रीमियम था, बिजनेस का खर्चा था, एक्सपेंस था, इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमने कहा ऑन प्रीमियम, ऑन प्रीमियम ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में ट्रांसफर होगा ये। तो बताओ इस इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रांसफर करना है, ये अभी डेबिट है, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ये जो दो एंट्री आप देख रहे हो ये हर साल की जाएगी। अच्छा, आपने तीन पार्टनर की अलग अलग पॉलिसी ली तो तीनों का प्रीमियम भी तो आप पे करते हो, तो क्या यहाँ पर तीनों की अलग अलग एंट्री करेंगी क्या? नहीं, जितने भी पार्टनर है ना सबका प्रीमियम एक साथ जोड़ लो भैया, तो तीन तीन एंट्रियां करना स्टार्ट कर दो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, हर एक पार्टनर की अलग अलग एंट्री करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल पार्टनर का प्रीमियम ले लेंगे एक साथ ही, समझ गए, एक साथ एंट्री करते जाओ। कई बार बच्चे कहते सर एक साथ लिया तब तो जेएलपी बन गई, ये कहां बोला जेएलपी बन गई, जेएलपी कैसे बन गई, प्रीमियम एक साथ पे कर रहे हो भाई, मैं चार जनों को सैलरी अलग अलग चुका हूं तो चारों की मिला के एक साथ में भी तो लिख सकता हूं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, या चार बार करो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये ज्यादा इजी है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री जो है ना ये हर साल होगी, एवरी ईयर टिल डेट ऑफ पार्टनर और सरेंडर, जब तक आप सरेंडर नहीं कर देते या किसी पार्टनर की मृत्यु ना हो जाती तब तक हम क्या करेंगे, ये दो एंट्री तो हर साल करेंगे, प्रीमियम चुकाओ पीएनएल में ट्रांसफर करो, प्रीमियम चुकाओ पीएनएल में ट्रांसफर करो, ये चलता जाएगा। साल जब खत्म होगा, साल क्या सॉरी, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो अब क्या होगा, जैसे ही डेथ होगी हम भाग के जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, जलाना भी बाद में उसको, पहले कहां जाना है, इंश्योरेंस कंपनी के पास, और बोलेंगे साहब पार्टनर की हो गई डेथ, क्या दे दो, पैसा दे दो।
तो अब हम भाग के कहां जाएंगे, ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। थर्ड में एंट्री बता रहा हूं, ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। पार्टनर की डेथ होते ही सबसे फर्स्ट काम होगा कहां जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास, और इंश्योरेंस कंपनी से पैसों की मांग करेंगे, यानी कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। बताओ क्या एंट्री करोगे आप जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगोगे, पहले मांगेंगे फिर अपने को मिलेंगे पैसे, ठीक है। मांगने पर आप जब भी किसी से पैसा मांगते हो आपके लिए एसेट बन जाती है, हम उससे मांग रहे, मेरा अधिकार आ गया उसके ऊपर, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को हमारा डेटर्स बना दूंगा, देनदार, कि मैं आपसे पैसा मांगता हूं, तो मैं एंट्री करूंगा। देखो क्या देनदार बनाने पर डेबिट करो, मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांग लिया उसको डेबिट कर दिया। और टू में किस चीज का पैसा मांगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, क्या लिखेंगे, टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये हमने पैसा मांगा। फिर बी एंट्री ऑन अमाउंट रिसीव, अब मुझे पैसा मिलेगा भी तो सही, अमाउंट रिसीव, पैसा मिलने पर इंश्योरेंस कंपनी से क्या एंट्री करेंगे, पैसा आएगा, कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहां से मिल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से, तो हमने कहा पैसा आएगा तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो इंश्योरेंस कंपनी को पहले डेबिट किया, एसेट बनाया, और जब पैसा मिल गया तो एसेट को खत्म कर दिया, मैंने कहा ठीक है साहब आपका पैसा आ चुका है। अब हमारे पास इसका एक खाता देखो खुला पड़ा है, ये जो पैसा आया इसका क्या करेंगे, अचार डालेंगे या जाके उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोलेंगे साहब, सपोज कीजिए उसका बेटा बैठा था वहां पर, हमने उसको जाके बोला ये ले भाई आपके पिताजी की डेथ हो गई है, ये इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए पूरे के पूरे आपके, तीन पार्टनर थे, एक्स की डेथ हो गई, वाई उसको पैसे देने गया, तभी पीछे से किसने पकड़ लिया, जेड ने, बोला क्या कर रहा है पूरा पैसा दे रहा है, मैंने कहा भाई पूरे ही देने पड़ेंगे, वो क्या बोलेगा पूरा पैसा नहीं देना, उसमें से कुछ पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, या फिर अगर मैं बोल दूं जो भी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा वो पूरे पैसे को हम बांटेंगे कितने पार्ट में, तीन जनों में, जो भी उनका रेशियो होगा। तो वाई बोलेगा क्यों भाई, एक्स की डेथ हो गई तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को पूरा पैसा मिलना चाहिए, तो जेड क्या कहेगा, क्या एक्स ने जेब से पैसे दिए थे, पैसा कहां से गया था, फॉर्म से गया था, तो लॉस खाली उसके पेरेंट्स को या उसके बच्चों को थोड़ी हुआ है, हमें भी तो लॉस हुआ उसके जाने से, तो हमें बहुत ही दुख हो रहा है इसलिए हम थोड़ा पैसा लेंगे, आ रहा समझ में, यस। तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है ये वाला पैसा, ये सिर्फ उस अकेले आदमी को नहीं मिलेगा, सारे पार्टनर्स में बांटा जाएगा, किस रेशियो में, जो भी उनका रेशियो था, ठीक है, सारे पार्टनर का मतलब जो रिटायर हुआ जिसकी डेथ हुई उसको भी उसका जो हिस्सा बनता वो मिलेगा और बाकी के पार्टनर्स को भी मिलेगा। अब देखो दिक्कत इसमें क्या आने वाली है, जैसे ही वाई गया था किसके पास, एक्स के बेटे के पास, एक्स की डेथ हो गई थी, वाई गया और वाई ने जाके क्या बोला एक्स को, ये लो था पूरा पैसा, लेकिन पीछे से किसने पकड़ लिया, जेड ने, बोला पूरा पैसा क्यों दे रहा है, ये बात सुन ली एक्स ने, एक्स का जो बेटा था, एक्स का सन, एक्स ने नहीं सुनी, भूत बन के वापस नहीं आएगा, तो एक्स का जो बेटा था उसने बात सुन ली और उसने बोला क्यों भाई, पॉलिसी का पैसा तो पूरा मिलना चाहिए, हमने कहा क्यों मिलना चाहिए, प्रीमियम तो हर साल फर्म से जा रहा था, समझ में आ रहा है, तो एक्स का जो बेटा होगा वो क्या बोलेगा, वो कहेगा प्रीमियम तो हर साल फर्म से जा रहा था, वो तो चीज समझ में आती है, आपके पास भी तो पॉलिसी है, तो वाई और जेड कहेंगे यस है हमारे पास पॉलिसी, तो आपका भी तो पैसा फर्म से ही जा रहा है, हमने कहा जा रहा तो कहां दिक्कत है, तो कहेगा आपने अगर इनकी पॉलिसी में हिस्सा लिया तो आपकी पॉलिसी में भी तो हमें हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और सही बात है मिलना भी चाहिए। तो एक्स जो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी था है ना, एक्स ने बोला आपकी भी पॉलिसी जो है उसमें हमें हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन वाई और जेड इससे भी चालाक व्यक्ति, इन्होंने बोला हम मर थोड़ी गए, हम तो अभी जिंदा है, अगर मरते तो आप पॉलिसी में हिस्सा ले लेते, ठीक है, तो एक्स कहता है एक काम करो, मरे तो नहीं हो लेकिन आपकी पॉलिसी में जब प्रीमियम चुकाया गया था तब ये इसके जो पिताजी थे वो भी तो यहीं पे थे, तो आपकी पॉलिसी में जब हिस्सा गया था तब भी सब पार्टनर थे, आप इसीलिए तो उसमें हिस्सा ले रहे हो, तो हमारे पापा के रहते हुए जब आपकी पॉलिसी में प्रीमियम पे किया गया था तो एक काम करो, आप मरे नहीं तो एक मान लो अगर आप इस पॉलिसी को आज सरेंडर कर देते हो,
क्या कर देते हो, सरेंडर, आज ही, क्योंकि सारा लेन देन आज ही खत्म करना है। जब आज में खत्म हो गया तो लेन देन में खत्म करना है अपने को, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर आज ही आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर देते हो तो बताओ मुझे कितने पैसे मिलेंगे, उसमें हिस्सा दो। सही बात है। तो एक्स कह रहा है ठीक है, इनका जो पैसा है उसमें आप हिस्सा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पॉलिसी में भी तो हिस्सा मिलना चाहिए। और किस में हिस्सा मिलना चाहिए, सरेंडर वैल्यू में। इसलिए मैंने आपको समझाया था वहां सरेंडर वैल्यू क्या होती है। ये वास्तव में पॉलिसी को सरेंडर करते नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर पॉलिसी सरेंडर कर देते तो कितने पैसे मिलेंगे। आया समझ में? तो अब मैं आपको एंट्री बता रहा हूं कि ये जो हमें पैसा बांटना है ना तीनों पार्टनर्स में, क्या खाली एक में बटेगा कि तीनों में? तीनों में। तो ये तीनों में पैसा बटेगा कितना, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। उस चीज की पहले तो मैं करूंगा एंट्री, ठीक है। अब एंट्री क्या करूंगा मैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और किसके कैपिटल में, ऑल पार्टनर्स के कैपिटल में। तो देखो क्या एंट्री होगी, इस पॉलिसी को ट्रांसफर करना है, क्रेडिट को खत्म करना है, डेबिट कर दो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। लेकिन अब बात आती है अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट कितना बांटेंगे। तो देखो ये अमाउंट की कैलकुलेशन करते हैं। एक्स की जो डेथ हुई, जो डेथ पार्टनर था उसका तो टोटल अमाउंट, क्या लिख रहा हूं, जो डेथ पार्टनर था उसका तो टोटल अमाउंट, जो भी पॉलिसी का अमाउंट मिला, इसमें ये जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, बताओ क्या, इन पार्टनर्स की सरेंडर वैल्यू। क्या ऐड करते हैं, सरेंडर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, सरेंडर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर बच गए उनके सरेंडर वैल्यू क्या है उसको ले लो, ठीक है। और इसमें से हम एक चीज माइनस करते हैं। अब ये माइनस क्या करते हैं, लास्ट जो आपने प्रीमियम चुकाया था, लास्ट प्रीमियम कौन सा वाला, ये वाला, सपोज कीजिए लास्ट प्रीमियम था ये, क्या लास्ट प्रीमियम जो हमने चुकाया वो 1 तारीख को चुकाया होगा, 1 तारीख को हमने पॉलिसी ली 1 अप्रैल को, 1 तारीख को मैंने प्रीमियम चुका दिया, लेकिन साल के एंड होने से पहले ही पार्टनर की तो डेथ हो गई, तो क्या ये प्रीमियम पीएनएल में गया होगा क्या? पीएनएल में तो साल के एंड में जाता है, बीच में अगर पार्टनर की डेथ हो जाए तो क्या हम पीएनएल में डालेंगे, पीएनएल में नहीं डालेंगे। उस टाइम हम कहेंगे लास्ट प्रीमियम जो आपने पे किया ना वो यहीं से एडजस्ट कर लो, कहां से, यहीं से एडजस्ट कर लो लास्ट प्रीमियम। तो यहां से मैं माइनस करता हूं लास्ट प्रीमियम, लास्ट प्रीमियम ऑफ पॉलिसी, और कौन सा लास्ट प्रीमियम, सबकी पॉलिसी का लास्ट प्रीमियम, ठीक है। उसको माइनस करने के बाद जो पैसा बच जाएगा, इस पैसे को सभी पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये याद रखना, अच्छा पॉइंट ये। तो कौन सा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, एक तो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका पूरा पैसा, बाकी के जो पार्टनर्स बच के उसकी सरेंडर वैल्यू, और लास्ट जो आपने प्रीमियम पे किया उसको माइनस कर दो क्योंकि उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो जो अमाउंट बच जाएगा उसको सारे पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं, सब में हम ये निकाले, हम ये नहीं देख रहे हैं कि एक्स को क्या देना है, हम बता क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं सबको क्या मिलेगा, ठीक है। तो सब के लिए पहले तो एक्स का पूरा पैसा ले लो, एक्स की डेथ हो गई, जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका पूरा पैसा, बाकी के पार्टनर की दोनों की सरेंडर वैल्यू, दोनों की सरेंडर वैल्यू, उसमें से लास्ट जो आपने प्रीमियम पे किया था उसको लेस कर दो, बच्चे को सारे पार्टनर में बांटेंगे, ठीक है। अब यहां पर लिख देना अमाउंट क्या होगा, अमाउंट जो हमने वहां पर कैलकुलेट किया है हो गया वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट। अब फटाफट इसको उतारो, इसको उतारने की जरूरत नहीं है। यस, तो लेस नहीं करेंगे, बट ऐसा कभी होगा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पार्टनर 31 मार्च को ही मरेगा, अगर 28 को मरने वाला है तो उसको ऐसा नहीं बोलेंगे 2 दिन और चल जा, है ना। पटाउट उतारो, जल्दी करो।
अब आओ एग्जाम्पल नंबर 23, पेज नंबर 127, जिस पे हमारे पास फर्स्ट ये दिया हुआ है। अब देखो इसके अंदर हमें हमेशा एंट्रीज करनी होती है। जब आप सेपरेट लाइफ पॉलिसी के अकाउंटिंग करते हो तो आपको सिर्फ एंट्रीज करनी है, खाते नहीं बनाने। अकाउंट जो बनाने होते हैं ना वो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में बनाने होते हैं, जब आप मिलकर एक पॉलिसी लेते हो, ठीक है, ये याद रखना। तो अब चलते हैं अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग की जन एंट्रीज अब आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं, मैं भूल गया एंट्री सारी, मुझे याद दिलाओ। अगर आप गलत बोलोगे तो मुझे याद आ जाएगा वापस, ठीक है, कि आपने गलत बोला। चलिए एग्जाम्पल नंबर 23, जन एंट्रीज करनी है। देखो क्या कह रहा है, एबीसी एक फॉर्म में पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो दिया हुआ 3:2:1। 1 अप्रैल 2015 को फर्म ने सभी साझेदारों के नाम से 3 जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है। 3 जीवन बीमा पॉलिसी यानी तीनों अलग अलग है, सेपरेट पॉलिसी हो गई, ठीक है। एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द फर्म है टेकन 3 इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, ठीक है, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी इज फॉर 80,000, 50,000 and 60,000। तो तीनों की पॉलिसी की वैल्यू दे रखी है। देखो तो ए बी और सी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2:1, तीनों ने जो पॉलिसी ले रखी है, पॉलिसी ए की कितने की है, 80,000 की, बी की 60, अच्छा ए की 60 है, नहीं इसको 80 करना अभी आप, मैं समझाऊंगा इसमें क्या है, और सी की कितनी है, बी की 50, सी की 60। अब इंग्लिश मीडियम की बुक में देखो सेम अमाउंट है क्या, इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। एक बार इसको आप इसी से मैं लेके चलना, मैं भी इसमें आपको एक पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 पॉलिसी 80,000, 50,000 और 60,000 की। अब इनके ऊपर हर साल ये प्रीमियम कितना पे करते हैं, देखो 10,000, 6,000 और 4,000, इनके ऊपर एनुअल प्रीमियम जा रहा है 10,000, 6,000 और 4,000, ये इनका प्रीमियम हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ये पॉलिसी आपने ली कब थी, तारीख दे रखी थी 1 अप्रैल 2015 को आपने पॉलिसी ली है। सारी पॉलिसी कब ली गई है, 1 अप्रैल 2015 को। तो इसी दिन, जिस दिन आप पता पॉलिसी लेते हो ना, उसी दिन आपको प्रीमियम चुकाना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। उसके बाद साल के एंड में आप जाते हो, फिर देखते हो कितना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। अब बीमा प्रीमियम को लाभ हानि खाते से चार्ज किया जाता है, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी हर साल पीएनएल में ट्रांसफर करना अपने को। फिर 1 जुलाई 2017 को ए की मृत्यु हो जाती है, ए डेड ऑन 1 जुलाई 2017 एंड अमाउंट ऑफ हिज पॉलिसी इज रिसीव्ड इन फुल ऑन 3rd जुलाई। तो अब देखो डेथ हो गई भाई, यहां लिख रहा हूं किसकी डेथ हो गई, एज डेथ, एज डेथ कब, 1 जुलाई 2017, और अमाउंट रिसीव हो जाएगा हमें इंश्योरेंस कंपनी से कब, 3 जुलाई 2017 को, ठीक है। सारी चीजें बता रहा है आपको, मन से कुछ नहीं करना अपने को, जो बोला है वही करना है अपने को, ठीक है। अब आगे उस तिथि को, यानी जिस दिन हमें सरेंडर, इस दिन ये पैसे मिले उस दिन के सरेंडर वैल्यू दे दी आपको। देखो क्या लिखा हुआ है, 1 जुलाई 2017 को एक ही मृत्यु हो गई, ठीक है, उस तिथि को बी और सी की पॉलिसी का समर्पण मूल्य, द सरेंडर वैल्यूज ऑफ द पॉलिसी ऑफ बी एंड सी ऑन दैट डे, मतलब इस दिन सरेंडर वैल्यू कितनी है, बी और सी की सरेंडर वैल्यू क्यों बताई, ए की जब डेथ होगी तो ए का पैसा जब सारे पार्टनर्स में बांटा जाने वाला था तो ए का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, क्या बोलेगा, इसका पैसा अगर सब में बांटोगे तो आपकी भी सरेंडर वैल्यू में मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, आया समझ में, इसलिए इन्होंने सरेंडर वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आगे इस दिन इनकी सरेंडर वैल्यू 16,000-8,000 रुपए थी, जिसे पुस्तकों में दिखाना है, यानी अब देखो इसने क्या बोला, बुक्स में शो करना है इसको। जब हमें बुक्स में शो करने के लिए बोलता है तो इस केस में हमें अकाउंट खोलना पड़ता है, किस चीज का, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, ठीक है। अब आगे अभी समझते हैं आगे क्या करेंगे, जिसे पुस्तकों में दिखाना, फॉर्म की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां दीजिए और चिट्ठे में जीवन बीमा पॉलिसी दर्शाइए। हमें क्या करना है, एक तो जनरल एंट्रीज देनी है और हमें पॉलिसी को शो करना बैलेंस शीट के अंदर। तो हम स्टार्ट अब कहां से करने वाले हैं पता है, जिस दिन हमने पॉलिसी ली इस दिन से हम जनरल एंट्रीज करेंगे, कब तक, जब तक पार्टनर की डेथ नहीं हो जाती तब तक, ठीक है। फर्स्ट पॉलिसी की एंट्री क्या होगी बताओ, पहली एंट्री प्रीमियम पे करेंगे, क्या हो गया सुरेंद्र जी,
1 अप्रैल 2015 प्रीमियम पे करने पर क्या एंट्री करेंगे? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे यहाँ से पैसा जाएगा। कितने पैसे जाएंगे ध्यान देना, तीनों की पॉलिसी का पैसा ले लो एक साथ ही, 10+6+4 20,000 रुपए आप हर साल प्रीमियम पे करोगे। जब ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2016, क्या एंट्री करोगे? इसको पेंडल में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट, कितना? 20,000 रुपए। फिर हम वापस आएंगे 1 अप्रैल 2017 को, वापस नई बुक्स ओपन होगी, इस दिन फिर प्रीमियम चुकाया जाएगा। प्रीमियम पे करने पर खर्चा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्या मैंने ये शॉर्ट में लिखा है? पूरा लिखा है, एग्जाम में मानते हो पूरा लिखना है, नहीं तो नंबर भी शॉर्ट में आ जाएंगे, फिर घर पे आके शॉर्ट खा लेंगे। कितने? 20,000। फिर साल एंड कब होगा? अच्छा मैंने यहाँ 17 लिख दिया, 2016 को स्टार्ट होगा ना नया साल, तो फिर साल खत्म होगा 31 मार्च 2017। इस दिन क्या एंट्री करेंगे? इस प्रीमियम को वापस ट्रांसफर करना है कहाँ? पीएनएल में। तब तक करते रहने ये दो एंट्री जब तक पार्टनर की डेथ नहीं हो जाती। उसकी मृत्यु हुई थी डेथ 1 जुलाई 2017, उससे पहले 31 मार्च आएगा। 31 मार्च पर हम एंट्री करेंगे, इसको ट्रांसफर करने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, कितना? पूरे के पूरे 20,000। यहां तक कोई दिक्कत है? अब हम आए वापस 1 अप्रैल 2017, इस दिन हमने प्रीमियम चुकाया वापस, कितना? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सर इस साल तो डेथ हो गई, तो प्रीमियम तो 1 तारीख को चुका रहे हैं, 1 अप्रैल को, अप्रैल में थोड़ी पता है जुलाई को जाने वाला है, अरे समझ में, तो प्रीमियम तो पहले चुकाएंगे ना। तो क्या एंट्री करेंगे? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए चुकाएंगे वापस? प्रीमियम के पूरे 20,000। अब जब आई जुलाई, कौन सी? 1, तो अचानक से हो गई डेथ। किसकी? एक ही डेथ होते ही सबसे पहले कहां भागेंगे? इंश्योरेंस कंपनी के साथ, पैसा दो, भाग के जाना है इंश्योरेंस कंपनी के पास। किस तारीख को? 1 जुलाई 2017 को इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे? साहब पैसा दो, तो क्या एंट्री हो जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांग रहे हैं अभी तो मिल नहीं रहे, पहले मांगना है फिर मिलेंगे अपने को। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा मांगा? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए मांगे? 80,000 मांगे तो 80,000, क्या मिलेंगे भी 80,000? यस, 80 कैसे, एक ही डेट हुई थी ना, 80,000 मांगे। फिर इसका पैसा मिलेगा 3 तारीख को, 3 जुलाई 2017 को, जब हमें इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा हमारे पास टू कहां से? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, टू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कितने रुपए आएंगे? पूरे 80,000 आ जाएंगे। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैंने कहा जब बांटने की बारी आएगी, अब 3 तारीख को पैसा बांटेंगे सब में, तो ए का पैसा बी और सी भी बांटेंगे, तो बी और सी की भी तो सरेंडर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? सरेंडर वैल्यू। तो अब जो हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना 3 जुलाई 2017 को, समझना कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले तो एंट्री बताओ पैसा बांटने पर। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बांटूंगा किन पार्टनर्स में? तीनों पार्टनर्स में, ए बी और सी रेशियो दिया हुआ है आपको। क्या एंट्री होगी? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, यानी टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। बट अमाउंट जो आने वाला है वो क्या होगा सुनना, मैंने आपको वर्किंग नोट में लिखवाया था, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका सारा पैसा ले लो 80,000। जो पार्टनर रिटायर नहीं हो रहे हैं या जिनकी डेथ नहीं हो रही है, तो ये मांग करेगा उनसे कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर अगर करते तो बताओ कितने पैसे मिलेंगे, वो पैसा भी जोड़ेंगे, क्योंकि अपना हिस्सा थोड़ी देगा खाली अकेला, उसका भी तो हिस्सा लेगा और फिर हम तीनों में बांटेंगे। तो मैंने कहा एक तो डेथ पार्टनर वाले का पैसा जो आया 80,000 वो ले लो,
प्लस सरेंडर वैल्यू ले लो इन दोनों पार्टनर्स की जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है 16,000 और 8,000। तो हमने कहा इसमें भी हिस्सा मिलना चाहिए और इसमें से माइनस करेंगे लास्ट ईयर का प्रीमियम जो अभी तक, ध्यान से देखो ये प्रीमियम पीएनएल में चला गया क्या? नहीं गया, इसको यहीं से एडजस्ट कर लेंगे। कितना? 20,000, तो माइनस कर दूंगा 20,000। अब जो भी बचेगा उसको तीनों पार्टनर्स में 3:2, 2:1, 3:1 दिया हुआ रेशियो, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जरा बताओ अमाउंट कितना आएगा? पूरा प्रीमियम, यस पूरा। देखो जब पैसा मिल जाता है ना इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो ये कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है ना उन खर्चों को इसी साल इसी पॉलिसी से एडजस्ट कर लो। नहीं, अब आगे जो दो बच गए ना उनका अगले साल से जो प्रीमियम पर पे करेंगे वापस पिंडल में जाता रहेगा, बात खत्म। तो इस साल तो इसको पूरा खत्म करके यहीं से एडजस्ट कर लो, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा? 80 + 16 + 8,000 - 20,000, 84,000। और इस 84,000 को इन तीनों में जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, तो 42,000, 28,000, 14,000। फटाफट छापो यहां तक।